नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। एस्ट्रो मित्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आनंद, नित्य प्रतिदिन तेरा हम अपने कार्यक्रम एस्ट्रो मित्रम में फिर उपस्थित हुए हैं। मित्रों, ये कार्यक्रम आपके लिए है, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। यदि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। मित्रों, तो आज बात करेंगे 29 मार्च 2019 के पंचांग की स्थिति। आइए सबसे पहले आज की पंचांग की स्थिति देखते हैं। तो आज मित्रों जो तिथि चल रही है वो नौमी चल रही है, नक्षत्र जो है पूर्व आषाढ़ चल रहा है, करण जो है तेतिल और कर चल रहा है, पक्ष जो है मित्रों कृष्ण पक्ष चल रहा है, योग जो है परिघ चल रहा है, वार जो है आज शुक्रवार है। आज सूर्योदय 6:16:19 पे होगा और सूर्य अस्त होंगे आपके 18:34:44 पर। आज जो चंद्रमा है वो धनु राशि में सूर्य के नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। ऋतु जो है वो बसंत ऋतु है। दिन काल 12:18:24 तक रहेगा। विक्रम संवत 2075 है। राहु काल 10:53:14 से 12:25:32 तक रहेगा और दिशा शुरू आज का पश्चिम दिशा है। मित्रों, ये थी आज के पंचांग की स्थिति। आइए हम बात करते हैं मूलतः 12 राशियों के बारे में। 12 राशियों के बारे में बात करेंगे तो आज चंद्रमा की स्थिति जो है वो धनु राशि में सूर्य के नक्षत्र में पड़ी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो गुरु अतिचारी होकर के अपने वृश्चिक राशि से धनु में चले गए हैं और कुछ समय बाद वापस वो वृश्चिक में आ जाएंगे वक्री होकर के। लेकिन अभी 10-15 दिन गुरु जो है वो धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में आज जब हम मेष राशि वालों का भविष्य देखेंगे तो आज उनका भाग्य उनके साथ है, आज उनका धर्म कर्म उनके साथ है। आज आप जितने अच्छे से अच्छे काम यदि कर सकते हैं करिए, क्योंकि ये धन आपका भाग्य निरंतर जरा सा भी जो दान पुण्य करेंगे उससे आपका भाग्य का भरपूर आपको सहयोग मिलेगा। क्योंकि आपके भाग्य स्थान में आपका शनि केतु गुरु और आज चंद्रमा और सूर्य का नक्षत्र आज मेष राशि वालों के लिए जो भाग्य स्थान आपके लिए बहुत प्रबल महत्वपूर्ण योग भूमिका कर रहा है। ऐसी कंडीशन में आपका उच्च वर्ग लोगों के साथ उठना बैठना, आपका उच्च वर्ग लोगों के साथ सोपान करना, आपका भाग्य छोटी छोटी चीजों पे साथ देना, आप जो चाह रहे वही हो रहा है। ऐसी कंडीशन में अपने भाग्य को थोड़ा सा निरंतर इस स्पीड का फायदा उठाए, इस दिन का लाभ उठाए, इस 9th हाउस के जो भाग्य की वृद्धि हो रही है इसका लाभ उठाएंगे तो निश्चित रूप से आज का दिन शुभ जाएगा। क्या करना चाहिए मित्रों, आज आपको सबसे पहले किसी गरीबों को भोजन कराइए, क्योंकि भाग्य में वृद्धि करने के लिए अन्नदान महादान होता है। यदि आप अपना भाग्य बढ़ाना चाहते हैं तो एस्ट्रो मित्रम चैनल के माध्यम से हम आपको कहना चाहेंगे कि दान पुण्य बढ़ाइए, अपने दुखों को भोजन कराइए। तो आज का दिन यदि आप लगातार अपने भाग्य को यदि बढ़ाना चाहते हैं तो आज का दिन निश्चित रूप से भूखे व्यक्तियों को, गरीबों को, दुखी लाचार मजबूर व्यक्ति को यदि आप भोजन कराएंगे तो निश्चित रूप से आज का दिन शुभ जाएगा। आइए हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों की बात करेंगे हम तो ऐसी कंडीशन में वृषभ राशि की जो महत्वपूर्ण बात है, उनके अष्टम घर में आप चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में आ गया तो आपकी जो पैतृक संपत्ति में उलझन आ रही थी, आपके जो पैसे में वाद विवाद हो रहा था, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो जो आपका निकल नहीं पा रहा, उसका निकलने का समय आ गया है, कोई इसी कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आपके पक्ष में आने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में अपने आप को निराश न होने दें, अपने आप का हौसला थोड़ा सा बुलंद रखें। थोड़े समय की बात है क्योंकि आपके जो कोर्ट केस है वो आपके पक्ष में बहुत जल्दी आने वाला है, कहीं भारी भरकम इन्वेस्टमेंट होने वाला है, कहीं ना कहीं आपको अचल संपत्ति के प्राप्ति के योग बने हुए, हो सकता है इसकी खुशखबरी आपको कभी भी मिलने वाली हो। तो इसलिए जो उलझी हुई चीजें हैं उसको सुलझाने का प्रयास करें। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी योजनाओं को एक बड़ा आकार बड़ा रूप देना चाहते हैं तो आज अपनी क्रियाओं को, अपने जो दिमाग में उथल पुथल चल रही है उसके लिए आप अपनी क्रियाओं को क्रियान्वित करने का समय है। आज का दिन आपके लिए शुभ है। क्या करना चाहिए आज आपको, आज
को सबसे पहले 21 बार गायत्री चालीसा का पाठ करना चाहिए। मित्रों सारे के सारे काम किससे होते हैं? सद्बुद्धि से। और गायत्री माता का गायत्री मंत्र जो हमें सद्बुद्धि प्रदान करता है, अस्तोमा सद्गमे तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा मृतमगमे, जब तक हमारे अंदर सद्बुद्धि नहीं होगी तब तक हमारे अंदर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आज आप 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, साथ ही साथ नित्य प्रतिदिन पक्षियों को यदि एक मुट्ठी चावल रोज दान करेंगे तो निश्चित रूप से आज का दिन आपका शुभ जाएगा। आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों की बात करेंगे तो समय पूरा परिवर्तन हो चुका है, चेंज हो चुका है। ऐसी कंडीशन में आज आपको पार्टनरी के ऑफर लगातार आपको मिल रहे हैं, आपकी शादी की चर्चाओं का तो लगातार चल रहा है, आपके नए नए अनुबंध लगातार आपके होने के लिए बिल्कुल लालायित बैठे हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा निकाल दीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन आपको दुखदायी हो रहा है, कंफ्यूजन आपको दिक्कत पैदा कर रहा है। इस कंफ्यूजन से जितनी जल्दी बाहर आ जाए उतनी जल्दी आपके लिए मजा होगा। इसलिए शंकाएं कुशंकाओं को छोड़ करके यदि आप विवाह की स्थिति चल रही तो तुरंत हाँ करिए, यदि व्यापार में पार्टनरी की स्थिति चल रही तो तुरंत हाँ करिए, या व्यापार में कुछ नया काम करना चाहते हैं तो तुरंत आप हाँ करें। आज का दिन आपके लिए शुभ है। क्या करना चाहिए आज आपको? आज मित्रों आज आपको थोड़ा सा सूअरों को अन्नदान करना है। मित्रों जो सूअर रहता है वो भगवान के 16 अवतारों में से एक वारामीर अवतार है, तो ऐसी कंडीशन में आपके विचारों में नेगेटिविटी जो आ रही है वो पॉजिटिव में बदलना शुरू हो जाएगी। तो आज का दिन थोड़ा सा सूअरों को यदि अन्नदान खिलाएंगे तो निश्चित रूप से आज का दिन शुभ जाएगा। क्या करना चाहिए आज आपको? आज आपको इसके अलावा कम से कम सूर्य को जल देंगे तो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आइए हम बात करते हैं कर्क राशि वालों से। चिंता को रोकें, आज अपने मन के आवेग को रोकें, आज के जो उथल पुथल जो काफी लंबे समय तक थी उन सब चीजों को विराम दें, नए सिरे से नए संबंध बनाने की कोशिश करें। पुरानी चीजें यदि आप भूल जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी नई प्रगति नई उन्नति होगी। आज का दिन आपके लिए शुभ है। क्या करना चाहिए आज आपको? आज आपको थोड़ा सा दूध का दान करें। भगवान शिव के मंदिर के सामने यदि जो भिखारी खड़े रहते हैं उनको यदि दूध का दान करेंगे तो निश्चित रूप से आज का दिन शुभ जाएगा। आइए हम बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की बात करेंगे तो आज आपके पंचम घर में चंद्रमा बैठ करके आपके निरंतर नए नए आइडियाज देते जा रहा है, आपको नए नए लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, आपका दिमाग तेज गति से दौड़ रहा है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में उथल पुथल चल रही है। ये उथल पुथल आपके व्यापार को लेकर के, आपके स्वार्थ को लेकर के, आपकी अपनी निजी समस्याओं को लेकर के, कहीं ना कहीं आप अपना प्रमोशन चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी प्रगति चाहते हैं, इसके लिए आपका दिमाग में नई नई योजनाएं चल रही है, तो इन योजनाओं को क्रियान्वित करें, नए लोगों से मीटिंग करें, नए लोगों से बात करें और अपनी कमीशन की खुली बात कर लें, क्योंकि आपको धन की तलाश है, आपको जुगाड़ की तलाश है, क्योंकि सारे काम आपके जुगाड़ से होने वाले हैं। इसलिए जुगाड़ की व्यवस्थाओं को थोड़ा सा पूर्णतः अपने दिमाग से पूरी तरह ठंडे दिमाग से सोच करके करें तो निश्चित रूप से आज का दिन शुभ जाएगा। क्या करना चाहिए आज आपको? थोड़ा सा पीले रंग का रुमाल अपनी जेब में रखेंगे तो आज का दिन अति उत्तम जाएगा, साथ ही साथ थोड़ा सा 5 मिनट का ध्यान प्राणायाम करें तो आज का दिन आपके लिए शुभ है। आइए हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों की जब हम बात करेंगे तो आज उनके 4th हाउस में आपका धनु जो है धनु राशि का चंद्रमा बैठ करके सूर्य के नक्षत्र में बैठ करके प्रॉपर्टी की बात करता है, वाहन की बात करता है, वाहन दिलाने की बात करता है, लेकिन हम आपसे सेकंड हैंड वाहन की बात ठीक करता है तो आप सेकंड हैंड वाहन न लेकर के जब भी लें नया वाहन लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो क्या करना चाहिए आपको? बिल्कुल नए वाहन की तैयारी करें, चाहे आप तो थोड़ा समय बाद लें, लेकिन आपको पुराना वाहन नहीं खरीदना है, पुराना मकान नहीं खरीदना है, क्योंकि आपसे दो डेस्टिनी आपसे जुड़ी हुई है। ग्रह आपसे पुराने वाहन दिलाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ तो कन्या राशि वालों का जो दिन है आज की, जो पुराने मकान को लेकर के बात न करें, पुरानी गाड़ी को लेकर नहीं करें, जब भी गाड़ी लें स्टेटस वाली लें, सम्मान वाली गाड़ी लें, सेकंड हैंड नई लें, नई वाहन के योग बन रहे, क्योंकि पुरानी गाड़ी लेने पर आपको खर्च की अधिकता आएगी, परेशानियां ज्यादा आएंगी, पुरानी चीजों से बचे, नई चीजों को खरीदेंगे तो निश्चित रूप से आज का दिन आपके लिए शुभ जाएगा, क्योंकि आपका नया मकान, नई गाड़ी, वाहन, नई परिस्थितियां, नया घर का वातावरण आपके इंतजार कर रहा है। आज का दिन आपके लिए शुभ रहे। क्या करना चाहिए आज आपको? कम से कम दुर्गा चालीसा का 11 बार पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आज का दिन आपके लिए अति उत्तम रहेगा। साथ ही साथ थोड़ा सा जो आपके कोड़ी रहते हैं, कोड़ियों के आश्रम जाए, वहां थोड़ा सा अन्नदान करें, भोजन कराएंगे तो आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। आइए हम बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों की जब हम बात करेंगे तो काफी बैलेंसिंग राशि है ये राशि।
जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जीवन को बदलने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में अपने छोटे भाई से लेकर के जो आप सहयोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, अपनी बात को अपने छोटे भाई के सामने खुली रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका प्रमोशन, आपकी प्रगति आपके छोटे भाई के सहयोग से हो। मित्रों, जीवन एक दूसरे से सहयोग लेने में कोई बुराई नहीं है। यदि आपसे, यदि कोई छोटे व्यक्ति से आपको यदि हेल्प मिल रही है या छोटे भाई से सहयोग मिल रहा है तो निश्चित रूप से लेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि इस सहयोग से आपकी कुंडली में आज का दिन आगे बढ़ने का लिखा है तो कोई बुराई नहीं। छोटे भाई को थोड़ा सा गिफ्ट दें, छोटे भाई से अपनी बात रखें और छोटे भाई के अपने प्रस्ताव रखेंगे तो निश्चित रूप से आज का दिन शुभ जाएगा। क्या करना चाहिए, आज आपको हनुमान जी चालीसा का कम से कम 21 बार पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा नित्य प्रतिदिन एक गरीब व्यक्ति को रोज भोजन कराइए, अन्नदान महादान, इससे आपके भाग्य में काफी वृद्धि होगी। आज का दिन आपके लिए शुभ रहे। आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों की बात करेंगे तो अंदर पूरा घमासान चला हुआ है। अभी थोड़ा सा अभी से थोड़ा सा रिलैक्स होने की स्थिति बन गई है, मतलब 28 तारीख की शाम से आपने थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा, लेकिन ये परिवर्तन 15-20 दिन के लिए आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आज थोड़ा सा तनाव कम होने की संभावना है, आज थोड़ी सी उथल पुथल कम होने की संभावना है, आज थोड़े से परिवर्तन का दौर चल रहा है। ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स मोड पर ले जा करके आत्मशोधन, आत्मचिंतन, आत्ममनन करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो आपके 15 दिन का गुरु चेंज हुआ है ये आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो तनाव में कमी करके समस्याओं के समाधान के लिए रास्ता निश्चित रूप से मिलेगा। मित्रों, समस्या है तो समाधान है। यदि किसी चीज का यदि बच्चा आता है माँ की कोख से पहले तो पहले दूध आता है, बाद में बच्चा आता है, तो उसी तरह यदि पहले यदि समस्या आई है तो समाधान पहले आता है। प्रकृति उस चीज के लिए समाधान पहले खोजती है, बाद में समस्या आती है। मित्रों, तो समस्या का समाधान आपके होने वाला है, निश्चित रूप से आज का दिन आपके लिए शुभ है। आइए हम बात करते हैं धनुराशि वालों की। धनुराशि वालों की बात करेंगे तो लग्न में आज की तारीख में आप पे बहुत भयंकर प्रेशर है, अपनी जिम्मेदारियों का प्रेशर है, अपने अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रेशर है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी का प्रेशर है। आज चारों तरफ से आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, लेकिन ये समस्या आपको भी पॉजिटिव लेके जा रही है, ये आपको सहनशील बना रही है, आपके व्यक्तित्व को निखार रही है, आप में भट्टे में तपा करके आपको परिपक्व करना चाहती है। मित्रों, आज धनु राशि वालों का ये भयंकर प्रेशर का समय है, इसमें आप घबराए नहीं, इससे आप हिम्मत से काम लें, इस अवसर को आप भुनाने की कोशिश करें, इससे अवसरवादिता का लाभ भागे नहीं, अवसर का आप यदि लाभ उठाएंगे तो निश्चित रूप से आज का दिन आपके लिए उत्तम होगा। क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करके कॉपी में लिखें और एक एक करके उसको सुलझाने की कोशिश करें, एक एक व्यक्ति से संपर्क करके राय लेकर के उसे निकलने की कोशिश करेंगे तो मित्रों निश्चित रूप से आज का दिन शुभ जाएगा। क्या करना चाहिए, किसी वेद प्राचीन ब्राह्मण को आज थोड़ा सा भोजन कराएं, किसी वेद प्राचीन ब्राह्मण को वस्त्र का दान करें, अन्न का दान करें, धन का दान करेंगे तो निश्चित रूप से आज का दिन शुभ जाएगा। आइए हम बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों की बात करेंगे तो आज का दिन थोड़ा सा खर्चे का दिन है, आज का दिन थोड़ा इन्वेस्टमेंट का दिन है, ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हो सकता है आप किसी को पैसे, आपके पास यदि किसी को उधार दिए तो हो सकता है वो पैसे रिटर्न आए, या फिर हो सकता है वो रिटर्न पैसे आकर के आप किसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये आपका कहीं ना कहीं खर्च का आना जाना दोनों दिखा रहा है, कहीं से आवक भी दिखा रही है लेकिन जावक भी दिखा रही है। तो ऐसी कंडीशन में धन को रोके नहीं, जो खर्च हो रहा है होने दीजिए, अपने आप को प्रसन्न चित्त रखिए। इसके अलावा नई योजनाओं का यदि लाभ उठा सकते हैं तो उठाइए, क्योंकि नई योजना आपके लिए आपके घर पे आ रही है, आपके दिमाग में आ रही है, आपके विचारों में आ रही है, ये नई योजना से आपको बहुत लाभ होने की उम्मीद है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाए। आज के दिन आपके लिए शुभ है। क्या करना चाहिए, आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करें, कम से कम 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आज का दिन शुभ जाएगा। क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा अपने आप में दान पुण्य की योजनाएं भी बनाते चले, तो एक काम करें, आज फल फ्रूट लेकर के मंदिर के सामने जो भिखारी बैठे रहते हैं उनको थोड़ा सा फल फ्रूट का दान करेंगे तो आज का दिन शुभ जाएगा। आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों की बात करेंगे तो उनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है, लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा आप अकेले पूरी
भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुंभ राशि वालों को किसी न किसी के सहयोग की आवश्यकता होती है। इसका सहयोग आपकी पत्नी के माध्यम से, अपने पिता के माध्यम से, अपने पुत्र के माध्यम से, अपने इष्ट मित्रों के माध्यम से। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो किसी को अपने आगे सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आज का दिन शुभ जाएगा। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए किसी सहारे की आपको आवश्यकता है। जब तक कोई सहारा नहीं लेंगे तब तक आपकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आज अपने इष्ट मित्रों का या अपने परिवारजनों का सहारा लेंगे तो आज का दिन शुभ जाएगा। क्या करना चाहिए, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके घर से निकलेंगे तो निश्चित रूप से आज का दिन शुभ जाएगा। आइए हम बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों की बात करेंगे तो आज चंद्रमा के 10th हाउस में बैठ करके पिता से भरपूर प्रेम, पिता से भरपूर सहयोग, पिता से भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। इस आशीर्वाद का लाभ उठाए तो पिता का आशीर्वाद सूर्य के समान होता है, क्योंकि सूर्य पिता को नेतृत्व करता है। तो ऐसी कंडीशन में पिता के चरण स्पर्श करके उनकी दुआएं लें, उनके उनकी पूरी भावनाओं को समझकर उनके अनुरूप कार्य करेंगे। पिता के दिए हुए आशीष वचनों के साथ यदि उनके सहयोगात्मक रूप से काम करेंगे, उनके कहा अनुसार आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आज का दिन आपके लिए शुभ जाएगा। क्या करना चाहिए आपको, आज आपको पीपल के वृक्ष पर जा करके जल चढ़ाए, दीपक लगाए, परिक्रमा करें और अनुनय विनय करें, आपके व्यापार में प्रगति हो ऐसी प्रार्थना करें। आज का दिन आपके लिए शुभ रहे। मित्रों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? इस कार्यक्रम से संबंधित यदि कोई भी समस्या हो तो मित्रों हमारे दिए हुए नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय, मुझे आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रो मित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।